हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस, अभी मैं दोस्तों के साथ अपने वैनकूवर गया था, तो मैंने सोचा वैनकूवर में व्लॉग बना लेते हैं। तो गाइस, थोड़ा सा पहले मैं आपको वैनकूवर के बारे में बता देता हूँ। तो जो ये वैनकूवर है, ये कनाडा के वेस्ट पार्ट में है, और इंडिया में हम बोल देते हैं स्टेट, यहाँ पर प्रोवेंस बोल देते हैं। तो ब्रिटिश कोलंबिया प्रोवेंस है जिसके अंदर वैनकूवर सिटी है। तो बीसी, जो बीसी का जो मेन सिटी है ये, और कनाडा का भी थ्री लार्जेस्ट सिटी है ये थर्ड। तो इसमें फर्स्ट पे तो आता है टोरंटो, सेकंड पे मॉन्ट्रियल, और थर्ड पे आता है वैनकूवर। तो अगर आप देखो तो ट्रैवलिंग के हिसाब से और मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी के हिसाब से तो कनाडा का नंबर वन सिटी है, और वर्ल्ड के अंदर भी पहले टॉप 10 सिटी में से एक वैनकूवर आता है, मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी। और जो मोस्ट ग्रीनेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड है, उसमें भी वैनकूवर का नाम आता है। और ये जो सिटी है वैनकूवर, ये बहुत से मतलब नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं उनसे भरा पड़ा है ये सिटी, इतना अच्छा सिटी है। और गाइज, इसका जो वैनकूवर का जो रिकॉर्ड है इनके पास, वो 8,000 से 10,000 साल तक का रिकॉर्ड है कि ये तब से ये सिटी है, तब से लोग यहाँ पे रहते हैं। पर जो इसका नाम वैनकूवर है, वैनकूवर नाम इसका 1887 में इसको ग्रेटर वैनकूवर का नाम दिया गया, और उससे पहले ये छोटी छोटी जैसे कॉलोनियों में बटा हुआ था। कॉलोनी जैसे कि गांव विलेज ऐसे होते हैं ना, यहाँ पर कॉलोनीज बोल देते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे विलेज थे, तो जो थोड़ी थोड़ी दूर एबोरिजिनल पीपल जो यहाँ पे थे, जैसे कि एबोरिजिनल जिसको हम इंडिया में आदिवासी ऐसे बोल देते हैं, तो वो लोग यहाँ पे रहते थे। तो उसके बाद जैसे ही इसको नाम दिया गया, सिटी हॉल बनाया गया यहाँ पे, छोटा सा सिटी हॉल था इनका। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, जब इन्होंने अपना सिटी हॉल बना के इसका नाम दिया था इसको वैनकूवर का। और जो पर आज तो वैनकूवर तो एक मेन सिटी है, जिसकी आज जीडीपी के हिसाब से अगर देखो तो 1.38.3 बिलियन इसकी जीडीपी है, और आज के टाइम में 2.6 मिलियन इसकी पॉपुलेशन है। सिटी पर बहुत ब्यूटीफुल सिटी है। अभी आपको दिखाते हैं अपने ब्लॉग में वैनकूवर के कुछ नज़ारे। हम दोस्तों के साथ गए तो वहाँ पे थोड़े बहुत हमने व्यू देखे, थोड़ी शूटिंग करी। तो मैं चाहता था कि थोड़ा ड्रोन से आपको दिखाऊंगा अच्छा, क्योंकि ड्रोन में जो हमें व्यू दिखता है वो ऐसे नहीं दिखता। तो पर वहाँ पे वैनकूवर में वाटर फ्रंट पे ड्रोन की परमिशन नहीं थी, इसलिए मैं ड्रोन फ्लाई नहीं कर पाया। और साथ ही साथ जैसे वहाँ पे एक बहुत अच्छी जगह है, फ्लाई ओवर कैनेडा। जो फ्लाई ओवर जो कैनेडा है, वो एक मतलब कि 15 मिनट में आपको पूरा कैनेडा दिखा देते हैं वो, ठीक है। तो उन्होंने पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ करी है अंदर, जैसे मे बी 5D और 8D, कौन सा उनके पास अंदर लगा हुआ है सिस्टम। तो उसमें क्या, हमें एक पैराग्लाइडिंग की तरह फील होता है कि जैसे कि हम कनाडा के ऊपर से उड़ रहे हैं, और इतना रियल फील होता है गाइस, इतना रियल लगता है कि कई बार हमें जैसे लगता है कि वाकई यार हवा लग रही है मुंह पे। अगर हम स्नो की हिल के ऊपर से जा रहे हैं तो हमारे ऊपर पानी डल आता है, तो बिल्कुल मतलब फीलिंग आती है कि रियल में हम उड़ रहे हैं, पर बैठे वहीं पे हैं। और वो नायग्रा फॉल के ऊपर से हमें लेके जाता है, रॉकी माउंटेन्स के ऊपर से हमें लेके जाते हैं, और साथ ही साथ वैनकूवर सिटी के ऊपर से लेके जाते हैं, और सीएन टावर के साइड में से निकाल के लेके जाते हैं, ठीक है। तो मतलब बंदा 15 से 20 मिनट में पूरा कैनेडा देख लेता है कि क्या फीलिंग आती है ना। तो बहुत अच्छी जगह है। उसके अंदर भी हमें शूटिंग अलाउड नहीं थी कैमरा, तो फिर मैं कर नहीं पाया, ठीक है। पर चलो, मैं आपको थोड़ा पैदल चल के सिटी के व्यू, थोड़ा वाटर फ्रंट के बाहर का व्यू, थोड़ा ट्रेन का है ना, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो बड़ा अच्छा लगा कल जाके, और बाई ट्रेन गए थे, कार अपनी पार्क करी थी हमने रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ से बाई ट्रेन गए, बड़ा मज़ा आया 3-4 साल बाद। तो गाइस, कल तो हमें ऐसी फीलिंग आ गई कि जैसे 13-14 साल पहले मैं ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में स्टूडेंट था, तो मेलबर्न के पास एक सबर्ब है एसेंडन, वहाँ पे हम रहते थे। तो वहाँ से हमने डेली 4-5 यार दोस्त थे, हमने डेली ट्रेन पकड़नी, तो वहाँ भी 35-40 मिनट का लगता था हमें ट्रेन में जाने में। तो वहाँ से हम मेलबर्न जाते थे, तो फ्लिंडर स्ट्रीट स्टेशन पर उतरते, तो कल सेम वो मेरे को फीलिंग आई। बहुत से स्टूडेंट ट्रेन में थे कल मेरे साथ, तो उनको देख के हमें भी अपना वो टाइम याद आ गया था जब हम कभी स्टूडेंट होते थे। तो एक अलग ही लाइफ होती है वो भी। तो बाकी कल मैंने इन्जॉय भी किया, और साथ ही साथ मैंने अपने जो मेलबर्न को भी मिस किया कल मैंने, तो बहुत अच्छा लगा। तो गाइस देखिए, आपको दिखाता हूँ मैं अपना क्या क्या हमने कल किया, और होप करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। और लास्ट में अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट
और सब्सक्राइब जिसने नहीं किया प्लीज़ कर लिया करो। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो और लाइक वगैरह कुछ डाल देते हो या कोई कमेंट, तो चलो जिसको जो आपकी मर्ज़ी है, तो हमें बहुत ही इस बात से मोटिवेशन मिलती है और हमारा हौसला बहुत बढ़ जाता है। आप अगर आपको कुछ भी पूछना है, कोई कनाडा में कनाडा के अंदर सेटलमेंट करना चाहता है या आना चाहता है या कोई प्लानिंग कर रहा है, तो नो प्रॉब्लम, आप मेरे से पूछ सकते हैं कभी भी। आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है ना, तो मैं जितना मेरे से हो सके मैं आपको बता सकता हूँ। और क्योंकि बहुत से ऐसे मेरे भी फ्रेंड, बहुत लोग ऐसे हैं जो कनाडा मूव होना चाह रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं है ना, पर छोटे छोटे डाउट होते हैं उनको, उनके मन में। तो गाइस मैं आपके सारे डाउट, तो जी आज हम चले हैं वैंकूवर बाई ट्रेन। ट्रेन का भी देखते हैं जाकर सफ़र कैसा है। बहुत दिन से सोच रहे थे कि किस दिन ट्रेन में जाएंगे वैंकूवर, और आज चलने लगे हैं। रावत जी ने टिकट ले ली है और ये होती है जी। और अभी हम टिकट मिल गई तो इसको यहाँ पे पैक करते हैं, तो ये खुल जाता है और जाते हैं। गुरदीप जी पहले ही आ गए अंदर। अभी हम बाहर आए हैं, तो ये साइकिलें लगी हुई हैं। अगर किसी ने सिटी साइकिल से घूमनी है तो जी ये रेंट हो जाती हैं सारी साइकिल्स। और इन तो ये देखो जी ये कितना बड़ा शिप है। कितने फ्लोर होंगे इसके अंदर गुरदीप? 10 है। नीचे भी देख कितना बड़ा है। ओ अभी पीछे रह गया ये लगी। एक शिप अभी हमारे से खा, इतना बड़ा शिप है ये, यहाँ से स्टार्ट हो गया देखो अभी खत्म नहीं हो रहा। और ये पूरा सिटी की तरह ही है, ये वहाँ तक का है, ये पूरा एक क्रूज है। और इसके सामने ही एक और खड़ा है, ये है एक ये है, सामने ही खड़ा है। तो ये आजकल बहुत लोग घूमने जाते हैं। रावत ये साइड में जो लगी है ना, ये बोट है ना, बाई चांस कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ हो जाए है ना, टाइटैनिक की तरह, तो इसमें ये बचा लेंगे है ना। पूरी दोनों साइड में बोट ही बोट लगी हुई है। ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये ज़्यादा बड़ा है, इस साइड बड़ा, ये वाला ज़्यादा बड़ा है। तो रावत जी कभी करते हैं इसमें भी प्लान हैं, चलते एक बार। इसका मैंने पता किया था भाई किसी से, इसका जो इसका 7-8 दिन का ट्रिप होता है,
तो इसमें ये हमें एक कैबिन दे देते हैं एक रूम के साथ, वॉशरूम अटैच बाथरूम सारा कुछ, तो उसमें फूड भी इंक्लूडेड होता है। तो ये 7 से 8 हज़ार डॉलर का पैकेज होता है इसका। उसमें मेरा एक फ्रेंड गया था जानकार, तो उसने इसमें भाई 7 हज़ार डॉलर में उसको 7 दिन का ट्रिप दिया था। यहाँ से वैनकूवर से चल के मैक्सिको गए थे अमेरिका होते हुए, तो बहुत बढ़िया फन किया था उन्होंने। तो रावत जी कभी अगर इतने मौका लगेगा तो भाई ज़रूर बनाएंगे हम भी ऐसा ट्रिप कभी ना कभी। मे बी ये समर तो चली गई बस, है ना, रह गया 15 दिन का और खेल यहाँ पे समर का। उसके बाद नेक्स्ट समर में हम ट्राई करेंगे कि एक बारी मैं होपफुली हम नेक्स्ट समर में तो हम कोशिश करेंगे कि मैं गुरदीप उधर अपने रोहतास राणा और अपने बंदे देखते हैं कि इसका ट्रिप जरूर करना है एक बारी। जो छोटे छोटे क्रूज जो चलते हैं भाई शिप यहाँ से विक्टोरिया, उनमें तो हम कई बार जाए, उनमें तो हम कई बार गए हैं, पर ये इसका एक अलग ही मज़ा होता है इसका जाने का। ये देखो आप ऊपर हर एक अपार्टमेंट बने हुए हैं। ये देखो साथ में थोड़ी सी इन्होंने बालकनी दी हुई है देखने के लिए, टेबल रखा है ना, चेयर्स कॉफ़ी काफ़ी पीने के लिए, और अंदर एक बेड लगा होगा, थोड़ा किचन भी होगा छोटा मोटा एरिया। तो इस तरह से करके बंदा बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर सकता है इस जगह पे जाके। वो देखो जी वो जो आ रही है आप देख रहे हो, नॉर्थ वैनकूवर से आ रही है वो एसी बस। वैनकूवर से नॉर्थ वैनकूवर जाने के लिए हमें इसी बस में जाना पड़ता है। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं देखने फ्लाई ओवर कनाडा। गुरदीप भाई देखा पहले फ्लाई ओवर कनाडा? दो बार देख रखा भाई मैंने भी, 4 से 5 बार मैंने भी देख रखा है। और रावत जी हैं ये सबसे पुराने आए हमारे, मेरे ये कह रहे मेरे से छूट गए, इन्होंने देखा नहीं, आज इनको दिखाते हैं और बाद में इनको पूछेंगे कि कैसा लगा। रावत जी देखना देखते हैं बाद में पूछेंगे आपसे कि कैसा लगा, ठीक है? पर भाई आज तक मेरे साथ कम से कम 10 बंदों ने देखा होगा आज तक, तो जिसने भी देखा उसने यही कहा यार बड़ी बढ़िया चीज़ है। और सारे बंदे एक चीज़ बोलते हैं इसके बारे में कि यार चीज़ तो बहुत बढ़िया है पर टाइमिंग कम है इसमें, है ना। हाँ अभी दिखाते हैं आपको अभी फोटो। ये देखो आप, तो ये है जी ऊपर फ्लाई अभी हम देख के आए हैं फ्लाई ओवर कनाडा। रावत जी क्या चीज़? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। कैसा फील हुआ? नेचुरल फील हुआ बिल्कुल। तो पता नहीं कौन सी 3D, 5D या 8D कौन सी स्क्रीन है अंदर, क्या सिस्टम है। तो भाई जी ऐसा लगता है कि बंदे जैसे मतलब पूरे कनाडा के ऊपर से हम उड़ रहे हैं, और जैसे कि पैराग्लाइडिंग करते हैं इस तरह की बिल्कुल फीलिंग आती है उसमें बैठ के। तो बाकी हर एक 15 मिनट की अपनी राइड थी, है ना। तो इन्होंने हमें सारे ऑल ओवर कनाडा के ऊपर से, सारी स्टेट्स के ऊपर से हमें घुमाया, नायग्रा फॉल के ऊपर से भी गए थे। और मेन चीज़ जो देखी, जैसे कि रावत जी हम उस पर से गुजर रहे थे ना, जब जहाँ खेतों में से गए है ना, तो वहाँ से उसकी कुछ और पूरा मतलब बिल्कुल ओरिजिनल फीलिंग आ रही थी जी, सपनों की दुनिया में एकदम बंदा चला जाता है इस तरह से। तो जी जिसको भी जो भी भाई सरी में वैनकूवर में रहता है या कनाडा में यहाँ घूमने आता है, तो ये फ्लाई ओवर कनाडा जो जगह है इसका 36-37 डॉलर का टिकट है, तो ये चीज़ मिस ना करें कोई भी। क्यों भाई? ये मेन चीज़ है, अगर आपने ये देख लिया तो समझो आपने सारा कनाडा देख लिया। ये ऐसी जगह है, तो यहाँ पे जो भी कोई बंदा आए तो ज़रूर आओ, ये देखने याद करोगे आप कि हाँ भाई वीडियो में देखे थे अपना ट्रैवलिंग कनेडियन देसी की वीडियो देखी थी, उसमें फ्लाई ओवर कनाडा के बारे में बताया था, तो वाकई बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है जी, ओके, तो मिलते हैं गाइस आपसे आगे।
हैं गुरदीप, बहुत ब्यूटीफुल सिटी है ना, सुत्ता सिटी है पूरा, मजा जी अब हम आ गए वैनकूवर से, अपनी कार उठा लिया यहाँ से पार्किंग में से, अब चले हैं घर पे। पहले रावत जी को छोड़ूंगा, फिर गुरदीप को, फिर उसके बाद मैं जाऊंगा घर। और बाकी छोटा ट्रिप था, दो तीन घंटे का है ना, तो बढ़िया रहा जी, मज़ा आया आज बहुत सालों बाद। आज ट्रेन में बैठे, स्काई ट्रेन में, गुरदीप भी 2018 के बाद आज बैठा, रावत जी भी मेरे से 7-8 साल में बैठे आज, मैं भी 2019 के बाद आज बैठा। बाकी बहुत ही बढ़िया रहा जी आज का सफ़र ट्रेन में बैठ के। हमें मेरे को तो अपने ऑस्ट्रेलिया वाले दिन याद आ गए, जब एसेंडन से मेलबर्न तक मेरिडियन स्कूल में कॉलेज में हम जाते थे, तो जी वहाँ पे अपना रोज़ वीक में 3-4 बार तो जाते ही थे। तो बाकी चलो बहुत बढ़िया स्काई ट्रेन का सफ़र अच्छा रहा। ओके जी गाइस, तो हम अपना व्लॉग यहीं पर बंद करते हैं और मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और चलिए इसको सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करो गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय एंड गुड नाइट।